अध्याय दो। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीही के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीही यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीही यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागीना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब तो मसीही यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीही के लोहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उस ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्य द्वक्ताओं की नेव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही हैं, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो।